अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलमान से प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से सिटी हाउसिंग खा रही है के ऊपर प्लॉट नंबर के वाले से बात करेंगे कि लोग कह रहे हैं जी हमें कैसे पता कि हमारा कौन सा प्लॉट लग गया। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ओवरसीज बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, घर वालों को या डीलर्स के थ्रू वो नंबर लगवा रहे हैं। मतलब डीलर्स को कहते हैं भाई मेरा प्लॉट नंबर आप लगवा दें, फिर उनको ये भी बार बार पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्या प्लॉट नंबर लग गया। बेसिक मैं आपको उसका पूरा क्राइटेरिया समझाता हूँ कि कितने दिन के बाद आपको ऑफिशियली पता चलेगा और अभी आपको क्या मिल रहा है। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी सिटी हाउसिंग खारिया की टीम है वो सारी की सारी बैठ के आपके नंबर्स लगा रही है। इतना रश होता है, जो लोग खुद आ रहे हैं कुछ वीडियो से फोटोज देख रहे हैं, आपको खुद आइडिया होगा कि कितना रश है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि जब आपकी तीन या चार इंस्टॉलमेंट पूरी थी तो पांचवी के ऊपर आपको टोकन दिया जा रहा था। बेसिक वो जो टोकन था ना, उसका मतलब ये था कि आपका जो है, आपके टोकन की मतलब ये था, आप टोकन को वेरीफाई करते थे कि वाकई में ये टोकन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो टोकन वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि भाई इसने पूरी पांच किस्तें जमा कराई हुई हैं और वो उसको प्लॉट नंबर अलॉट कर देते हैं। जिसकी पांच टोकन है उसको वो क्या करते हैं, प्लॉट नंबर लगा देते हैं। अच्छा, बेसिक मैं आपको ये बता दूं, जो जो आपने चौथी पांचवी या पांचवी किस्त जमा कराई है ना, वो लेजर अपडेट नहीं हुए अभी तक। और आपको आपका प्लॉट नंबर जो अलॉट किया, जब हेड ऑफिस जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको कंफर्म कर देंगे आपका प्लॉट नंबर लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर कोई डाउट आ रहा है कि मेरा प्लॉट नंबर लग गया कि नहीं लगा, तो आप हेड ऑफिस आए, खुद जाकर अपनी प्लॉट की वेरिफिकेशन करवा लें। या फिर एक और चीज है, मैं आपको ना एक लेजर दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर आपके पास। ये ना मैं क्योंकि इसको मेंशन नहीं कर सकता, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ऐसा लेजर है मिसाल के, जितनी भी आपके इंस्टॉलमेंट आप जमा कराते हैं या सोसाइटी वाले भी आपको आपका लेजर भेजते होंगे, उस लेजर के ऊपर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेम आगे, जो भी आपका नेम है, फादर नेम, CNIC, एड्रेस, फोन नंबर आपका लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, रिलेशन रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है, मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है। अब इसके आगे प्राइस, डिस्काउंट, अदर, ये वट एवर जो लिखा, इसके आगे ये मेंशन होगा, यहाँ पे भी वो एक ऐसी जगह होगी जहां पे लिखा होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा ना कि साइज हुआ 5 मरला, इसके नीचे लिखा होगा कि स्ट्रीट नंबर फलां, प्लॉट नंबर फलां। हाँ, ब्लॉक मेंशन होगा, मतलब आप ए ब्लॉक या बी ब्लॉक या सी ब्लॉक, जो भी आपका प्लॉट नंबर अलॉट किया गया है वो आपके यहाँ पे लेजर के अंदर आएगा। तो ये लेजर के अंदर कोई एक दो दिन, चार दिन, पांच छह दिन के अंदर नहीं आने वाला, ये महीना भी लग जाएगा। ये मैं बता दूं, अभी तक तो लेजर तो अपडेट हुई नहीं है। आपकी तीन इंस्टॉलमेंट ही जमा जाएगा, आप चेक कर लें, पांचवी चौथी तो जमी ही नहीं आपकी। वो जमा तब होगी जब वो लेजर्स को अपडेट करेंगे, लेजर अपडेट करेंगे और आपके घर में ये रसीदें पहुंचेगी। जो तो अगर आप डीलर्स के थ्रू करवा रहे हैं, मतलब जो जानने वाले लोग कहते हैं कि जाए भाई हमारा करवा दे, तो आपको वो करवा के दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी है कि आपको करवा के दे रहे हैं। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन करता चलूं कि जिन जिन लोगों ने कैटेगरी प्लॉट्स के लिए अपने डीलर्स को या अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि भाई मुझे कैटेगरी मतलब कॉर्नर ले दें या पार्क के सामने ले दें, मैं आपको पहले बता दूं भाई उन्होंने चार्जेस पे करना है। ठीक है, सोसाइटी कह रही है भाई चार्जेस लेके आओ, आपका नंबर अलॉट किया जाएगा, वरना आपके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं ये एडवांस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपके प्लॉट को ये अलॉट आपने किसी को कह दिया, वो लग तो गया, लेकिन वो जब तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करनी 10%, तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको कहेंगे आपका स्लिप इस तरह की आपको मिल जाए विद इन 10 डेज, 5 डेज, 2 डेज, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये आपको लंबा चौड़ा टाइम महीना लग सकता है, कम से कम 15 दिन महीना लगेगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा काम हो रहा है। अभी तक तो प्लॉट नंबर ही अलॉट नहीं हुए सब लोगों को, तो आपका लेजर कैसे अपडेट होगा? तो काफी टाइम पीरियड काम है, तो पैनिक ना हो। आप पूरा दिन हमें कॉल्स करके यही पूछ रहे थे भाई हमें गारंटी बताएं, हमें ये बताएं, या वो हमने भाई को भेजा था उसको भेजा, ऐसा नहीं है। आपके प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं, अलॉट हो रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करें और इंशाल्लाह जल्दी आपको। और हाँ, अगर आप बाहर बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए हैं या किसी दूसरे सिटी में बैठे हुए हैं, आप प्लॉट नंबर लगवाना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे को बताएं, हम भेजेंगे उसको, वो आपका प्लॉट नंबर लगा देगा, कोई भी लगा देगा, जो आपको सोसाइटी ऑफर करेगी उस टाइम पे, हम ऑन द स्पॉट आपको लगवा देंगे, जो आपके फ्यूल्स के जो खर्चा है वो बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वाला।